खबर राजनांदगांव से है। मनरेगा के तहत हुए कार्यों में ढाई साल बाद भी मटेरियल का भुगतान नहीं हो सका है। बीते ढाई साल से राशि अटकी हुई है, जिसके विरोध में छुरिया जनपद क्षेत्र के सरपंचों ने जनपद पंचायत के सामने जमकर प्रदर्शन किया और जनपद पंचायत के गेट पर ताला लगा दिया। इस दौरान बैठक ले रहे SDM सुनील नायक भीतर ही फंस गए। इसकी जानकारी मिलते ही तहसीलदार दल बल के साथ जनपद कार्यालय पहुंची और सरपंचों को समझाने का प्रयास किया। सरपंचों के नहीं मानने पर जनपद का ताला तोड़ा गया। प्रदर्शन के दौरान सरपंच संघ के पदाधिकारी ने बताया कि जनपद क्षेत्र की 118 पंचायत में मनरेगा के तहत हुए कार्यों में मटेरियल की राशि का भुगतान नहीं हुआ है। दिवाली से पहले राशि भुगतान का आश्वासन अफसरों ने दिया था, लेकिन अब तक राशि जारी नहीं हुई है, जिसे लेकर सरपंचों के सामने संकट खड़ा हो गया है। मटेरियल सप्लायर लगातार सरपंच पर दबाव डाल रहे हैं, उन्हें दीपावली से पहले भुगतान करने की चेतावनी दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार छुरिया जनपद पंचायत में 4 करोड़ से अधिक राशि का मटेरियल का भुगतान अटका हुआ है। सरपंचों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है, वे जनपद के सामने डटे रहेंगे और प्रदर्शन करेंगे। जितना भी कार्य आते जा रहा है, सब करते जा रहे हैं, किंतु हमारे ऐसे स्थिति है आज की स्थिति में जैसे पिछले साल भी था। लेकिन चलो भाई, पिछले साल अधिकारी लोग बोले कि कर देंगे पेमेंट करके, तो हम लोग मान गए। लेकिन आज तक लगभग कई सरपंचों का 30 लाख रुपए से लेकर के 20 से 30 लाख रुपए तक के राशि अभी हम लोग कर्ज में डूबे हैं। वेंडर लोग आते हैं और पेमेंट के लिए बोलते हैं, तो हम लोग किस हालत पे पेमेंट दें, कहाँ से पेमेंट दें। 2020 के बाद से मनरेगा का लगभग सभी काम, जितने भी काम आते हैं जो केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत आती है काम, वो सभी काम करते करते आज उस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि कहीं ना कहीं अब हमारे को हमारा परिवार चलाना भी अब दुभर होने लगा है। क्योंकि हमारा जो मटेरियल का पेमेंट है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, ये पांचवी बार रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे जो उपस्थित सरपंच है, उनका कहना है कि उनके मनरेगा का मटेरियल पेमेंट का भुगतान नहीं हुआ है और पिछले 2-3 बार से प्रयास करने के बावजूद भी आज तक भुगतान नहीं हुआ है और सामने दीपावली है और अभी भुगतान नहीं होने की स्थिति में उनके थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। इस बात को लेकर के सभी सरपंच मैंने कुछ सरपंच लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं।